नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र। न्यूज वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। अवधपुरी में आनंद उत्सव के बीच भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। कोरोना का कहर जारी, थाना प्रभारी सहित 6 को कराया क्वारंटाइन। 2.5 लाख कीमत की 70 पेटी अवैध चारा पकड़ाई। अब खबर विस्तार से। ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा। सुमन दृष्टि आकाश ते हुई, ब्रह्मानंद मगन सब लुई। जी हाँ, उपरोक्त पंक्ति अयोध्या के लिए कहा गया है, जहाँ पर भगवान श्री राम के अवधपुरी में आज आनंद उत्सव का पर्व है, जहाँ आज सैकड़ों वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर के निर्माण की नींव रखी जा रही है। वहीं इस अवसर पर पूरे अवधपुरी में ध्वजा पताका और तोरण से नगर छा गया है। जिस प्रकार से यह सजाया गया है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। इस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं RSS प्रमुख मोहन भागवत, ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल महंत दास जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ हनुमानगढ़ी स्थित हनुमान मंदिर में पहुँच पूजा अर्चना की। तत्पश्चात जन्मभूमि गर्भगृह में प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की नींव रखी गई, जिसका सीधा प्रसारण कर लोगों को इस निर्माण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कार्य दूरदर्शन द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हर्ष के साथ कहा कि आज इस मंदिर को निर्माण को लेकर पूरा भारत राममय हो गया है। वहीं वर्षों से टेंट के नीचे विराजमान रामलला के लिए भव्य मंदिर निर्माण होगा। इस शिलान्यास कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण के कारण देश के संत समाज को ही केवल आमंत्रित किया गया था। प्रस्तुत है एक झलक। प्लेट धातु की एक कांची काम कोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिख कर भेजी है। आज हो जाए कुछ और उसमें जुड़ जाए तो अब भगवान श्री सीता 180 डिग्री घुमाकर सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है, सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन महानुभावों बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना, सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सियाराम, जय सियाराम। राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। यहां आने से पहले मैंने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। राम के सब काम हनुमान ही तो करते हैं। राम के आदर्शों की कलयुग में रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हनुमान जी की ही है। हनुमान जी के आशीर्वाद से श्री राम मंदिर भूमि पूजन का आयोजन शुरू हुआ है। जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण जारी है। वहीं आज समाचार लिखे जाने तक शहर में 7 नए संक्रमित मिले, जिनमें से JP नगर के 6 हैं, वहीं समान थाना प्रभारी भी, जिसके बाद उनके संपर्क में आए सभी पुलिस कर्मचारियों सहित CSP SS बघेल को
होम क्वारंटाइन की सलाह देते हुए समान थाना एवं उनके आवास होटल समदरिया को सैनिटाइज किया गया, जबकि थाना प्रभारी को उपचार के लिए संजयगंज चिकित्सालय में भर्ती किया गया एवं अन्य को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया गया। वहीं अब जिले में संक्रमितों की संख्या 395 हो गई है। प्रस्तुत है तहसीलदार यति शुक्ला से जानकारी के अनुसार। हाँ सर, आज शहर में कितने कोरोना पेशेंट मिले हैं? आज हमें शहर में लगभग 11 केसों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से 10 केस अल्ट्रा टेक सीमेंट से और 1 केस बाद सर। थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इनकी हिस्ट्री वगैरह थी और किन लोगों को कितना क्वारंटाइन वगैरह कराया जा रहा है क्या? हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है हमको थाना प्रभारी के पॉजिटिव होने की। वो ऑलरेडी पहले से ही क्वारंटीन थे, क्वारंटीन समझिए होटल में, उसके पश्चात अभी उनको शिफ्ट भी कर दिया गया है जैसे ही रिपोर्ट आई है। साथ में सैनिटाइज करा दिया गया पूरा थाना और साथ में होटल भी सैनिटाइज करवा दिया गया है और वो ब्लॉक भी जो सेकेंड फ्लोर का ब्लॉक था उसको भी अभी अभी क्वारंटीन कर दिया गया है। होम क्वारंटाइन भी किसी को करवाया गया? नहीं, होम क्वारंटाइन किसी को नहीं करवाया गया है, सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी करवाया जा रहा है जो उनके क्लोज संपर्क में थे। अभी 3 लोग स्टाफ बताया गया है समदरिया का, उनको भी यहाँ पर अभी समदरिया में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। CSP साहब भी होम क्वारंटाइन? हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो भी उनके कॉन्टैक्ट में थे। CSP साहब भी सेल्फ होम क्वारंटाइन में है और साथ में जाँच के लिए। विगत रात्रि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रीठी गांव में अवैध शराब की खेप के पहुंचने की रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह को मुखबिर से मिली सूचना पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर रीठी गांव में घेराबंदी करते हुए बिना नंबर की एक लग्जरी गाड़ी को पुलिस ने रोका। पुलिस को देखते ही आरोपी शेषमणि पटेल उर्फ सेठी निवासी रीठी कूदकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली जिसमें 45 पेटी शराब बरामद की। इस दौरान गाड़ी को कब्जे में ले तस्कर के घर में भी तलाशी ली गई, जहां पर पुलिस को 25 पेटी शराब मिली जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख रुपये बताई गई। वहीं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में अशोक के पेड़ के पास रहमान के घर दबिश देकर 52 cc कोरक्स जिसकी कीमत 7 से 8 हज़ार है को आरोपी से गिरफ्तार किया। प्रस्तुत है नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल से जानकारी के लिए। हाँ सर, सिटी कोतवाली में दारू पकड़ाई है, क्या है सर की दबाव? पुलिस अधीक्षक महोदय को इस तरह की सूचना मिली थी कि सीधी जिले से अक्सर शराब स्मगल होकर रीवा जिले में लाई जाती है और इस सूचना पर उन्होंने सीधी जिले के रास्ते में जो भी थाने पड़ते हैं उन सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि वहाँ मुखबिर लगाएं और इस तरह अगर शराब बाहर से आती है तो उस पर रेड करें। आज सायंकाल मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि सीधी जिले से एक डस्टर गाड़ी में शराब आकर के रीठी गाँव में रखी हुई है और इस सूचना पर थाना प्रभारी ओंकार तिवारी द्वारा अपने दल के साथ छापा मारा गया। शेषमणि पटेल उर्फ शेट्टी निवासी रीठी के घर में शटर के अंदर एक डस्टर गाड़ी खड़ी थी और उस डस्टर गाड़ी में लगभग उसमें 45 पेटी देशी शराब उसमें रखी हुई थी और डस्टर गाड़ी के बगल में 25 पेटी शराब रखी हुई थी। तो इस तरह शेषमणि के घर में जो है 70 पेटी शराब मिली है और उनके विरुद्ध जो है धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये जो पेटियां जो मिली हैं उनमें जो स्लिप लगी हुई है वो सीधी जिले की है, इससे प्रतीत होता है कि ये जो शराब जो है वेयर हाउस द्वारा सीधी जिले को आवंटित की गई थी और सीधी जिले से स्मगल होके आई है। तो इस संबंध में अभी शेषमणि के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और जब्त शराब की जाँच के उपरांत संबंधित दुकानदार या ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आज सायंकाल ही थाना सिटी कोतवाली में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक के पेड़ के पास फोर्ट रोड में एक युवक जो है नशीली कफ सिरप ऑनरेक्स बेच रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा छापा मारा गया
और रहमान नाम के युवक के पास 52 cc ऑनडेक्स सीरप जब्त किया गया है और उसके खिलाफ भी NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। विगत 18 मई को गुड़धाना क्षेत्र के दुआरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें सज्जन शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी जबकि अजय द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हो गया था जिससे उपचार के लिए संजय गांधी चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान पुलिस ने इस घटना में परिजन की निशानदेही पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था बाद में छोड़ भी दिए गए। वहीं इस घटना में परिजन द्वारा आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस सभी जानकारी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही जिसे लेकर आज घायल के साथ परिजन विभो विधायक राजेंद्र शुक्ला घर पहुंचे जिस पर श्री शुक्ल द्वारा घायल के उपचार के लिए तत्काल 25,000 की सहायता राशि प्रदान करने व घायल के उपचार की जिम्मेदारी ली। वहीं उसे जिला चिकित्सालय भेजा गया जबकि मृतक को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1,00,000 दिलाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष न्याय की जाँच के लिए भी कहा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार आज आप एक मरीज को लेके आए थे यहाँ पूर्व मंत्री के पास, क्या आश्वासन मिला आपको? आज आश्वासन क्या है कि 18 मई 2020 को एक्सीडेंट हुआ सुबह ग्राम दुआरी में, गुड़ विधानसभा लगता है, थाना गुड़ लगता है। अब ये पीड़ित व्यक्ति एक आदमी तो वहीं स्पॉट में खत्म हो गए थे, सज्जन शर्मा, और दूसरा जो है तो अजय द्विवेदी जो थे वो चोटिल हो गए थे काफ़ी। उनका DMH में इलाज चला, फिर नागपुर चला, वहाँ से आए, इनके पास गरीब बहुत हैं घर से, और यहाँ ये लोग सब आवेदन दिए कि भाई जब रिपोर्ट किए तो थाना प्रभारी महोदय गुरु ने उस जिसे वाहन का नंबर बताए, गाड़ी लाए, थाना में खड़ा किए, 3-4 दिन बाद उनको छाड़ दिए। छाड़ने के बाद जब वहाँ IG के आवेदन दिए गए, SP के यहाँ दिया गया आवेदन, आश्वासन मिला सांसद महोदय जी के यहाँ, अब ये लगा क्योंकि यहाँ सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और हम माननीय यहाँ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सम्मानी राजेंद्र शुक्ला जी के हम लोग आए, इस आशा से आए हैं कि आज यहीं हम लोग फैसला करके जाएंगे, यहीं न्याय गुहार लगाएंगे, और यहीं जो है तो इसी आए थे हम लोग। मंत्री सम्मानी मंत्री जी आए और उन्होंने हम लोगों का बराबर उन्होंने मांग को सुना, हम लोगों के विचारों को सुना, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो है तो इनका हम तत्काल इलाज कराएंगे अजय द्विवेदी का, और जो वाहन से अगर एक्सीडेंट हुआ है उसको जांच करके उसमें उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराएंगे इनको, चूंकि ऐसे जो भारतीय जीवन बीमा से पैसा इनको मिल जाए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये बताइए आज आप एक मरीज को यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी के घर पे ले आए तो क्या हुई मदद आपकी वहाँ? वहाँ मदद उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी किए हैं और उन्होंने यहाँ अभी हाल डॉक्टर से बात की है, वो तत्काल मरीज को अजय द्विवेदी को एडमिट करा रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी इसका इलाज मैं कराऊंगा और जो इसके खिलाफ जो वाहन एक्सीडेंट किया है उसके मैं जांच करके उसमें उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराएंगे। हाँ, इनका ये कहना है कि जिस गाड़ी से टक्कर लगी थी और दुर्घटना हुई थी, एक की मृत्यु हो गई थी और एक घायल हो गए, उस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पुलिस वालों ने बताया कि जाँच करने के बाद ये पाया गया कि वो गाड़ी नहीं थी, लेकिन फरियादी को भरोसा नहीं है इसलिए इसकी अलग से जांच कराएंगे, क्योंकि यदि गाड़ी का पता चल जाएगा तो इंश्योरेंस गाड़ी का रहता है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो मृतक है उनको भी मदद मिलेगी और इनको भी मदद मिलेगी। हालांकि अभी हमने इनके इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी है और मुख्यमंत्री जी को हम भिजवा रहे हैं कि जो मृतक हैं उनको भी मुख्यमंत्री सहायता राशि से मृतक को भी के परिजनों को जो भी राहत दी जा सकती है वहाँ से दिलवाएंगे। भैया, इनका कानून व्यवस्था को लेकर इनकी बातें हैं कि मतलब कई महीने से हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, उनका ये जो जानकारी मिली है कि जिसके ऊपर इनका शंका है वो पुलिस का कहना है कि वो गाड़ी ने टक्कर नहीं मारी, तो अब देख रहा हमको है कि दोषी को सजा भी मिल जाए, निर्दोष को सजा ना मिले, तो इसलिए अब फिर से एक बार जाँच करा के इनके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो दुर्घटना हो गई है वो घायल जो है उनको अस्पताल पहुंचा के तत्काल उनका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि नागपुर में इलाज कराया फिर अब ऐसे घूम रहे, इन्फेक्शन हो गया, और जो मृतक है उनको राहत शासन स्तर से दिलाएंगे, और इस बीच में यदि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया तो फिर उसके माध्यम से मदद होगी। राम जन्मभूमि में आज भव्य मंदिर निर्माण की नींव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई जिससे पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। वहीं किसी भी याद को अक्षुण बनाए रखने आज कराटी मलियांटोला स्थित हनुमान मंदिर में पूर्व पार्षद प्रकाश सिंह चिंटू के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई। वहीं लोगों ने इस निर्माण
उसका घर बैठे सीधा प्रसारण मिलेगा। बताइए। भैया आज ये चाहे का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आज हम सब हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन और गर्व का आज दिन है। हम जिन मुद्दों पे आज 5 साल से हमारे पूर्वजों ने अपनी आहुति दे दी, शहीद हो गए, आज उस रामलला का मंदिर अयोध्या नगरी में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सच्चे सपूत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ भूमि पूजन हो रहा है, उसका हर्षोल्लास हम पूरी दुनिया में मना रहे हैं। रामलला जी के आज भूमि पूजन अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे वार्ड 21 और 36 के बीच में हमारे बीच हनुमान जी विराजमान हैं, यहाँ हम लोगों ने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रामलला मंदिर बनाने की शुभकामनाएं बांटी। जय जय श्री राम। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार मुस्लिम धर्म के लिए मक्का मदीना है, उसी प्रकार हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र अयोध्या है और भूमि पूजन हो रहा है, क्या कहें। सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण भारत के लिए दूसरा नहीं हो सकता। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा कितने वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी है इस काम के लिए, पीढ़ियाँ खप गई थी और आज वो ईश्वर की कृपा से सपना साकार हुआ। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सही तरीके से न्यायालय में मामले को जब रखा गया तो सर्वोच्च न्यायालय से सारा रास्ता क्लियर हो गया और आज प्रधानमंत्री जी ने उसका पूजन करके भव्य मंदिर के निर्माण का शुरुआत जो की है वो देश के करोड़ों लोगों के को के अंदर आनंद की लहर पूरे देश में फैल गई है। आज पूरे देश का वातावरण ही अलग है और सामाजिक सौहार्द जो हम लोग चाहते हैं, गंगा जमुनी संस्कृत चाहते हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है कि मुसलमान भाई भी खुश हैं कि इतना अच्छा निर्णय हुआ है कि उसमें अनावश्यक रूप से राजनीति के माध्यम से मामले को इतने लंबे समय तक उलझाया गया। हिंदू और मुसलमान सभी ये चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। जिस तरह से मक्का मदीना मुस्लिम बंधुओं का तीर्थ है, वैसे ही हिंदू समाज का सनातन परंपरा संस्कृति का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो अयोध्या है। तो वहाँ पे मंदिर के निर्माण में तमाम तरह की जो परेशानी और देरी थी उससे देश की जनता बहुत व्यथित थी, दुखी थी और आज जब उसका रास्ता क्लियर होकर भूमि पूजन हो गया तो खुशी का माहौल है। कांग्रेस पार्टी भी राम राम जपने लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप। अब वो आपके सवाल से ही समझ में आ रहा है कि वो भी जपने लगी, मतलब पहले वो लोग अड़ंगे करते थे और अब जब उन्होंने देखा कि सब रास्ता क्लियर हो गया तो वो भी जपने लगे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। आखिर हम लोग यही चाहते हैं कि कम से कम इस मामले में राजनीति न करें, सब लोग साथ आएँ। यदि आज वो साथ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। नैया पार हो जाएगी। नैया इस प्रकार से नहीं पार होती है, नैया तो ईमानदारी से जब हम जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए जब काम करते हैं तब ईश्वर की कृपा होती है और फिर नैया पार होती है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरों पर सुनो। अवधपुरी में आनंद उत्सव के बीच भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी गई। कोरोना का कहर जारी, थाना प्रभारी सहित 6 को कराया क्वारंटाइन। 2.5 लाख कीमत की 70 पेटियां अवैध शराब पकड़ाई। आज की खबरों बस इतना ही, कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।